क्या आपको कभी कुत्ते ने काटा है? अगर हाँ तो आपको लोगों ने 24 घंटे के भीतर इंजेक्शन लगवाने की सलाह जरूर दी होगी। दरअसल अगर कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन ना लगवाया जाए तो शरीर में रेबीज इन्फेक्शन फैलने लगता है। रेबीज इन्फेक्शन की वजह से व्यक्ति की जान तक जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज रोग नहीं होता? कुत्ते के अलावा भी कई ऐसे स्तनधारी जानवर हैं जिनके काटने से रेबीज इन्फेक्शन होता है। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित बीडी पांडे जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर दुक्ताल ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि कुत्ते के अलावा अगर लोमड़ी, चूहा, चमगादड़, बंदर और बिल्ली ये जानवर आपको काट लें तो फौरन अस्पताल जाकर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। बहुत से जो जानवर है जो काटने से हमें रेबीज फैल सकती है, जैसे कुत्ता हो, लोमड़ी है या चूहा है और बिल्ली है, मंकी है, चमगादड़ है, इनके काटने से रेबीज हो सकता है। या अगर जो कुत्ते किसी जानवर ने काट दिया तो आप जो हॉस्पिटल में आके आप रेबीज के इंजेक्शन जल्दी लगा सकते हो, विद इन द 24 आवर्स में तो लगा ही देना चाहिए। अगर रेबीज हो जाए तो उनको जैसे जो जो हवा है, पानी है, उससे उनको डर लगता है, वो पानी ढंग से पी नहीं पाएगा, वो उसको जो है जो पंखा चल रहा है हवा तो हवा लेने में दिक्कत होगी, उनको जो न्यूरोलॉजी का जो साइन है वो आने लगेंगे, वो जो उल्टा सीधा बोलने लगेगा उसको, और उनको जो खाने में भी दिक्कत होगी, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इस तरह के जो लक्षण है वो और साथ में जो है इनकी जो हिस्ट्री होगी ये होगी, हाँ किसी जानवर ने काटा हुआ है तो ये इनकी हिस्ट्री होगी। फिर जो है इंजेक्शन मैक्सिमम जो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल उसमें शुल्क मिल जाता है और लगाया जाता है, नहीं अस्पताल में है अभी भी, क्योंकि यहाँ जितने लग रहे हैं वो हॉस्पिटल से लगाई जा रही है। तो बहुत सारे केस ऐसे आते हैं डॉग बाइट के, और जितने डॉग बाइट है सबको लगाया जाता है। अगर कुत्ते ने काट दिया आपको, मेन है कि तीन चीज़ें तो आपको करनी करनी है। एक तो ये कि पानी से साफ करना है या साबुन लगाना है, और सेकंड जो आपको बिल्कुल बैंडेज नहीं लगाना है, और थर्ड है कि घर में अगर एंटीसेप्टिक कोई लोशन है, क्रीम है तो उसको लगा दीजिए आप। उसके बाद आप अस्पताल में जरूर आइए। ये बिल्ली का जो, अगर बिल्ली या कुत्ते का जो नाखून लगती है उससे रेबीज फैलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कि जो सेप्टिक हो सकती हो। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।